मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, मुरली वाले आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 13 नवंबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाबा दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली तो नई दुनिया में होगी, इसलिए इस पुरानी दुनिया के झूठे उत्सव आदि देखने की दिल तुम्हें नहीं हो सकती। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची सच्ची दीपावली तो नई दुनिया में होगी, इसलिए इस पुरानी दुनिया के झूठे उत्सव आदि देखने की दिल तुम्हें नहीं हो सकती। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि तुम होली हंस हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? और उत्तर में बाबा ने समझाया कि हमारा मुख्य कर्तव्य है एक बाप की याद में रहना और सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाना। हम पवित्र बनते और सबको बनाते हैं, हमें मनुष्य को देवता बनाने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहना है। सबको दुखों से लिबरेट कर गाइडबन मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। मुरली का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं, हम स्वर्ग की राजाई का वर्षा पाते हैं, उसे कभी कोई जला ना सके, कोई छीन ना सके, वह वर्षा हमसे कोई जीत ना सके। आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है और ऐसे बाप को बरोबर माता पिता भी कहते हैं। माता पिता को पहचानने वाला ही इस संस्था में आ सकता है। बाप भी कहते हैं कि मैं बच्चों के सम्मुख प्रत्यक्ष हो पढ़ाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ, और बच्चे आकर बेहद के बाप को अपना बनाते हैं जीते जी। धर्म के बच्चे जीते जी लिए जाते हैं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, तुम हमारे क्यों बने हो? कहते हो, बाबा आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने हम आपके बने हैं। अच्छा बच्चे, ऐसे बाप को कभी फारकत ही नहीं देना, नहीं तो नतीजा क्या होगा? स्वर्ग की राजाई का पूरा वर्षा तुम पा नहीं सकेंगे। बाबा मामा महाराजा महारानी बनते हैं ना, तो पुरुषार्थ कर इतना वर्षा पाना है। परंतु बच्चे पुरुषार्थ करते करते फिर फारकती दे देते हैं और फिर जाकर विकारों में फंसते हैं व हेल में गिरते हैं। हेल नर्क को, हेवन स्वर्ग को कहा जाता है। कहते हैं, हम सदा स्वर्ग के मालिक बनने के लिए बाप को अपना बनाते हैं, क्योंकि अभी हम नर्क में हैं। हेवनली गॉड फादर जो स्वर्ग का रचयिता है, वह जब तक ना आए तब तक तो कोई हेवन जा ना सके। उसका नाम ही है हेवनली गॉड फादर, यह भी तुम अभी जानते हो। बाप कह रहे हैं, बच्चे तुम समझते हो, बरोबर बाप से वर्षा पाने के लिए हम बाप के पास आए हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक, परंतु फिर भी चलते चलते माया के तूफान एकदम बर्बाद कर देते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, गोया मर गए। ईश्वर का बनकर फिर अगर हाथ छोड़ दिया तो गोया नई दुनिया से मरकर पुरानी दुनिया में चला गया। हेवनली गॉड फादर ही नर्क के दुख से लिबरेट कर फिर गाइड बन स्वीट साइलेंस होम में ले जाते हैं। यहाँ से हम आत्माएं आई हैं, फिर स्वीट हेवन की रजाई देते हैं। दो चीज देने बाप आते हैं, गति और सदगति। सत्युग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम, और जहाँ से हम आत्माएं आती हैं वह है शांति धाम। बाप है ही शांतिदाता, सुखदाता फॉर फ्यूचर। इस अशांत देश से पहले शांति देश में जाएंगे, उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। हम रहते ही वहाँ हैं। यह आत्मा कहती है कि हमारा स्वीट होम वह है। फिर हम जो इस समय नॉलेज पढ़ते हैं उससे हमको स्वर्ग की राजधानी मिलेगी। बाप का नाम ही है हेवनली गॉड फादर, लिबरेटर, गाइड, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, ज्ञान का सागर। तो रहम दिल भी है, सब पर रहम करते हैं, तत्वों पर भी रहम करते हैं, सभी दुख से छूट जाते हैं,
दुख तो जानवर आदि सबको होता है ना, कोई को मारो तो दुख होगा ना। तो बाप कहते हैं, मनुष्य मात्र तो क्या सभी को दुख से लिबरेट करता हूँ, परंतु जानवरों को तो नहीं ले जाएंगे, यह मनुष्यों की बात है। ऐसा बेहद का बाप एक ही है, बाकी तो सब दुर्गति में ले जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप ही स्वर्ग की व मुक्ति धाम की गिफ्ट देने वाला है। वर्षा देते हैं ना, ऊंचते ऊंच एक बाप है, सभी भक्त उस भगवान बाप को याद करते हैं। क्रिश्चियन भी गॉड को याद करते हैं, हेवनली गॉड फादर है शिव, वही नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। इसका अर्थ भी तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई तो बिल्कुल ऐसे हैं जो कितना भी ज्ञान का श्रृंगार करो फिर भी विकारों में गिरेंगे, गंदी दुनिया देखेंगे। और कई बच्चे दीपमाला देखने जाते हैं, वास्तव में हमारे बच्चे यह झूठी दीपमाला देख नहीं सकते, परंतु ज्ञान नहीं है तो दिल होगी। तुम्हारी दीपावली तो है सत्य हुए, जबकि तुम पवित्र बन जाते हो। तुम बच्चों को समझाना है कि बाप आते ही हैं स्वीट होम व स्वीट हेवन में ले जाने। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, धारणा करेंगे, वही स्वर्ग की राजधानी में आएंगे। परंतु तकदीर भी चाहिए ना, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। यह है श्री शिव भगवानुवाच। जब तक मनुष्यों को बाप की पहचान नहीं मिली है, तब तक भक्ति करते रहेंगे। जब निश्चय पक्का हो जाएगा तो फिर भक्ति आपे ही छोड़ेंगे। तुम हो होली हंस, होलीनेस, गॉडफादर के डायरेक्शन अनुसार सभी को पवित्र बनाते हो। वह तो सिर्फ हिंदुओं को व मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाएंगे, तुम तो आसुरी मनुष्यों को पवित्र बनाते हो। जब पवित्र बने तब हेवन व स्वीट होम में जा सके। नन बट वन, तुम सिवाय एक बाप के और कोई को याद नहीं करते हो। एक बाप से ही वर्षा मिलना है तो जरूर उस एक बाप को ही याद करेंगे। तुम पवित्र बन औरों को पवित्र बनाने की मदद करते हो। वह नंस कोई पवित्र नहीं बनाती हैं, ना आप समान नंस बनाती हैं, सिर्फ हिंदू से क्रिश्चियन बनाती हैं। और तुम होली नंस पवित्र भी बनाती हो और सभी आत्माओं का एक गॉड फादर से बुद्धि योग जुटाती हो। गीता में भी है ना कि देह सहित देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, फिर नॉलेज को धारण करने से ही राजाई मिलेगी। बाप की याद से ही एवर हेल्दी बनेंगे और नॉलेज से एवर वेल्दी बनेंगे। बाप तो है ही ज्ञान सागर, सभी वेदों शास्त्रों का सार बतलाते हैं। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं ना, तो यह ब्रह्मा है। शिव बाबा इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। वह है ज्ञान का सागर और इनके द्वारा तुमको नॉलेज मिलती रहती है, तुम्हारे द्वारा फिर औरों को मिलती रहती है। कई बच्चे कहते हैं, बाबा हम यह रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं, यहाँ रोगी मनुष्य आकर निरोगी बनेंगे और स्वर्ग का वर्षा लेंगे, अपना जीवन सफल करेंगे, बहुत सुख पाएंगे। तो इतने सबकी आशीर्वाद जरूर उनको मिलेगी। बाबा ने उस दिन भी समझाया था कि गीता भागवत वेद उपनिषद आदि सब जो भी भारत के शास्त्र हैं, यह शास्त्र अध्ययन करना, यज्ञ तप व्रत नेम तीर्थ आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री रूपी छाछ है। एक ही श्रीमद् भगवत गीता के भगवान से भारत को मक्खन मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता को भी खंडन किया हुआ है। जो ज्ञान सागर पतित पावन निराकार परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डालकर छाछ बना दिया है, एक ही कितनी बड़ी भारी भूल है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सागर डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं। जानते हो कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, यह सृष्टि रूपी झाड़ की वृद्धि कैसे होती है। तुम ब्राह्मण हो चोटी, शिव बाबा है ब्राह्मणों का बाप, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह हो गई बाजोली, इसको 84 जन्मों का चक्र कहा जाता है। वेद सम्मेलन करने वालों को भी तुम समझा सकते हो।
भक्ति है छाछ, ज्ञान है मक्खन, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। अगर तुमको विस्तार से ज्ञान समझना है तो धैर्यवत होकर सुनो, ब्रह्मा कुमारियां तुमको समझा सकती हैं। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, भीष्म पितामह अश्वधामा आदि को पिछाड़ी में इन बच्चों ने ज्ञान दिया है। अंत में ये सब समझ जाएंगे कि ये तो ठीक कहते हैं। अंत में आएंगे जरूर। तुम प्रदर्शनी करते हो, कितने हजार मनुष्य आते हैं, परंतु निश्चय बुद्धि सब थोड़े बन जाते। कोटों में कोई ही निकलते हैं जो अच्छी रीति समझकर निश्चय करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे लकी ज्ञान सितारों प्रतीक, माता पिता बाप दादा का नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है पवित्र बन, आप समान पवित्र बनाना है, एक बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना है। और सेकंड पॉइंट है अनेक आत्माओं की आशीर्वाद लेने के लिए रूहानी हॉस्पिटल खोलनी है, सबको गति सदगति की राह बतानी है। बाबा ने आज वरदान दिया कि ब्रह्मा बाप को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भव, ब्रह्मा बाप को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भव। सभी बच्चों का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। प्यार की निशानी है समान बनना। इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं, ईर्ष्यावश पहले मैं नहीं, वह नुकसान करता है, लेकिन फॉलो फादर करने में पहले मैं, कहा और किया तो फर्स्ट के साथ में आप भी फर्स्ट हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर वन बने, ऐसे फॉलो करने वाले भी नंबर वन का लक्ष्य रखो। ओटे सो अव्वल अर्जुन, सबको फर्स्ट में आने का चांस है, फर्स्ट ग्रेड बेहद में है, कम नहीं। स्लोगन है सफलता मूर्त बनना है तो स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। सफलता मूर्त बनना है तो स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। ओम शांति। तो आज मातेश्वरी जी के भी महावाक्य सुनेंगे। मातेश्वरी जी ने आज समझाया कि ये ईश्वरीय सत्संग कॉमन सत्संग नहीं है। तो देखते हैं मातेश्वरी जी क्या कहती हैं। मातेश्वरी जी कहती हैं कि अपना ये जो ईश्वरीय सत्संग है ये कॉमन सत्संग नहीं है, यह है ईश्वरीय स्कूल कॉलेज, जिस कॉलेज में अपने को रेगुलर स्टडी करनी है। बाकी तो सिर्फ सत्संग करना, थोड़ा समय वहाँ सुना, फिर तो जैसे का वैसा ही बन जाता है, क्योंकि वहाँ कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं मिलती है। और जहाँ से कोई प्रारब्ध बने, इसलिए अपना सत्संग कोई कॉमन सत्संग नहीं है। अपना तो ईश्वरीय कॉलेज है, जहाँ परमात्मा बैठ हमें पढ़ाते हैं और हम उस पढ़ाई को पूरा धारण कर ऊंच पद को प्राप्त करते हैं। जैसे रोजाना स्कूल में मास्टर पढ़ाई डिग्री देता है, वैसे यहाँ भी स्वयं परमात्मा गुरु पिता टीचर के रूप में हमको पढ़ाए सर्वोत्तम देवी देवता पद प्राप्त कराते हैं। इसलिए इस स्कूल में ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आने वाले को ये नॉलेज समझना ज़रूर है, यहाँ कौन सी शिक्षा मिलती है, इस शिक्षा को लेने से हमको क्या प्राप्ति होगी। हम तो जान चुके हैं कि हमको खुद परमात्मा आकर डिग्री पास कराते हैं, फिर एक ही जन्म में सारा कोर्स पूरा करना है। तो जो शुरू से लेकर अंत तक इस ज्ञान के कोर्स को पूरी रीति उठाते हैं वो फुल पास होंगे। बाकी जो कोर्स के बीच में आएंगे वो तो इतनी नॉलेज को उठाएंगे नहीं, उनको क्या पता कि आगे का कोर्स क्या चला। इसलिए यहाँ रेगुलर पढ़ना है, इस नॉलेज को जानने से ही आगे बढ़ेंगे, इसलिए रेगुलर स्टडी करनी है। और दूसरी बात कि परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए।
तो मातेश्वरी जी कहती कि जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है, लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन कहाँ जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में भी ये संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूं, वह संशय नहीं होना चाहिए। पता नहीं हम पार करेंगे वह नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को ना पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं कि हमको कोई की भी परवाह नहीं है। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा, फिर तो मानो कि गिरा की गिरा। क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब यह भी जरूरी है, जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी, जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखाएगी। परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है, आखरीन भी परमात्मा महान बलवान है, आखरीन उनकी जीत है। श्वासोश्वास इस विश्वास में स्थित होना है। माया को अपनी बलवानी दिखलानी है, वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमजोर बना तो खलास हुआ, इसलिए भल माया अपना फोर्स दिखलाए परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उसकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए। परमात्मा कहता है, बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूं तो मेरे साथ होते तुम भी समर्थ अवश्य बनेंगे। समझा बच्चे? ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।